बीसीसीआई ने जैसे ही साल 2022-2023 के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की, कुछ चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चाएं ये कि किन खिलाड़ियों का करियर जो है अब लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या बीसीसीआई का जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो इशारा कर रहा है कि किन खिलाड़ियों का करियर समाप्त हो गया, कुछ का प्रमोशन हुआ है, कुछ का डिमोशन है, तो क्या कुछ कह रहा है बीसीसीआई का ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, आज इसी पर बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जो आपको ऑलराउंडर्स हैं उनके लिए चांदी ही चांदी है, और कुछ नए नाम भी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं, हालांकि कुछ बड़े नाम इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर भी हुए हैं, उन्हीं सब पर आज बातचीत करूंगा। आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बीसीसीआई ने साल 2022-23 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो जारी कर दी है, और जिन खिलाड़ियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपको पहले ये बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चार कैटेगरी में दिया जाता है, A+, A, B और C। तो A+ कैटेगरी जो होता है वो टॉप की कैटेगरी होती है, और उसमें जो है एंट्री हुई है भारत के जबरदस्त ऑलराउंडर की, गेस कौन? जी हाँ, रविंद्र जडेजा की एंट्री हो गई है A+ कैटेगरी में। मतलब वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के साथ अब चौथा खिलाड़ी हो गए हैं A+ कैटेगरी में, और A+ कैटेगरी में यही चार खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है, पहले वो ए ग्रेड में थे और अब A+ में हैं, और जब से वापसी हुई है चोट के बाद रविंद्र जडेजा की, तो जो भी फॉर्मेट वो खेल रहे हैं उसमें जबरदस्त प्रदर्शन कह रहे हैं, तो इसका इनाम भी आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रमोशन है रविंद्र जडेजा के लिए। अगर हम ए ग्रेड की बात करें तो हार्दिक पांड्या को भी प्रमोशन मिला है, और इत्तफाक ये कि ये भी ऑलराउंडर है, और ये इस ऑलराउंडर को सी ग्रेड से उठाकर ए ग्रेड में किया गया है, तो जबरदस्त जंप हार्दिक पांड्या के लिए भी। हालांकि देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। पिछले साल हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड से उठाकर सी ग्रेड में कर दिया गया था, और उसके बाद अब बेहतरीन प्रदर्शन के बाद वो सी ग्रेड से ए ग्रेड में आए हैं, तो अब हार्दिक पांड्या ए ग्रेड में है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी ए ग्रेड में बने हुए हैं, मोहम्मद शमी ए ग्रेड में है, और ऋषभ पंत जो कि चोटिल है लेकिन उन्हें ए ग्रेड में जगह दी गई है। इसके अलावा एक और प्रमोशन है, अक्षर पटेल, वो भी ए ग्रेड में पहुंच गए हैं, बी से ए ग्रेड में आए हैं। तो अक्षर पटेल क्या है? वो भी ऑलराउंडर है। तो मैंने कहा ना कि ऑलराउंडर्स की चांदी रही रविंद्र जडेजा, उसके बाद आपने हार्दिक पांड्या, और अब अक्षर पटेल। तो ये तीन जो खिलाड़ी हैं जिन्हें की बड़ा प्रमोशन मिला है, ये तीनों ही ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बी ग्रेड की, अगर हम आ जाते हैं तो वहां चेतेश्वर पुजारा है, KL राहुल हैं, और आपको बता दूं कि KL राहुल पहले ए ग्रेड में थे और अब वो बी ग्रेड में आ गए हैं। तो ये बता रहा है कि KL राहुल को एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आप अपने प्रदर्शन में सुधार कीजिए। तो एक तरह से आप अल्टीमेटम भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या ने खराब किया था पिछले साल, तो उन्हें जो है ए से सी में किया गया था, अब इन्हें जो है ए से उठाकर बी में किया गया है। तो हार्दिक ने तो अपने प्रदर्शन में सुधार किया, वापस से अपना ग्रेड हासिल कर लिया, तो अब KL राहुल के सामने भी चुनौती है कि वो अपना ग्रेड हासिल करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करें। श्रेयस अय्यर ए ग्रेड में है, मोहम्मद सिराज ए ग्रेड में है, एक और प्रमोशन, सूर्य कुमार यादव को भी प्रमोशन मिला है, और यह विशुद्ध रूप से T20 में उनके प्रदर्शन को सलाम करता है, क्योंकि T20 के वो दुनिया के बेस्ट बैटर माने जाते हैं, उन्हें सी से बी ग्रेड में स्थान दिया गया है, हालांकि वनडे इंटरनेशनल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इसके अलावा शुभमन गिल को भी फायदा हुआ है, और शुभमन गिल ने जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी दिखाई है उसका इनाम उन्हें मिला है, और वो सी से बी ग्रेड में आ गए हैं। अब अगर हम बात करें आपको सी ग्रेड की, तो सी ग्रेड में जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है, उमेश यादव, शिखर धवन अभी भी ग्रेड में बने हुए हैं, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि बीसीसीआई के प्लान में अभी भी शिखर धवन हैं, और इस साल वनडे का विश्व कप होना है, तो आप सबकी नजरें जो है वो शिखर धवन के प्रदर्शन पर आगे लगी रहेंगी कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसा करते हैं, जो अभी फ्रेंचाइजी लीग शुरू होने जा रहा है उसमें कैसा करते हैं।
हाँ, शार्दुल ठाकुर के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, उनका डिमोशन हुआ है। पहले वो बी ग्रेड में थे, अब उन्हें सी ग्रेड में डाल दिया गया है, तो वो नीचे आ गए हैं। ईशान किशन, दीपक हुड्डा, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और के एस भारत को भी सी ग्रेड में स्थान दिया गया है। तो ये जो है टोटल खिलाड़ी है, 4 A+ में, 5 A ग्रेड में, बी में आपको 6 खिलाड़ी और सी में 11 खिलाड़ी। तो आप कह सकते हैं कि ये 26 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने दिया है। प्रमोशन की बात, जैसा मैंने कहा कि जो जबरदस्त प्रमोशन हुआ है वो रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का प्रमोशन हुआ है। तो डिमोशन किनका किनका हुआ है, केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर का डिमोशन हुआ है। इसके अलावा कुछ जो न्यू एंट्रीज हैं उसमें हम ईशान किशन, दीपक हुड्डा, संजू सैमसन, अर्शदीप और के एस भारत का नाम लेते हैं। ईशान किशन को उनका, उन्होंने जो वनडे में दोहरा शतक लगाया था और इधर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन रहा है, उसका इनाम मिला है और अब वो भारत के ने जो बीसीसीआई ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है उसमें ग्रेड सी में जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। कुलदीप यादव भी फिर से वापस आ गए हैं ग्रेड में, तो उन्हें सी ग्रेड मिला है। लेकिन यहां तक तो बात हो गई जिनको जगह मिली है, अब जानिए कि किनको किनको जगह नहीं मिली है और इसका मतलब क्या है। तो जिन खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है उनमें अगर मैं प्रमुख नाम लूं तो अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार के नाम मैं लेना चाहूंगा, और इसलिए लेना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि इन तीनों का जो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर है वो ऑलमोस्ट समापन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तीनों जो है वो इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं और अब उम्मीद कम लगती है इनकी उम्र को देखते हुए कि इन्हें वापस से टीम में जगह दी जाएगी, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ जो है इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि वो नए खिलाड़ी आने के लिए लगातार जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो इनके ऊपर एक चुनौती होगी, अगर इन्हें वापस आना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना होगा। अजिंक्य रहाणे के बारे में मुझे लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं, उनमें वो दमखम है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन देखना है कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। भुवनेश्वर ने जो T20 वर्ल्ड कप में आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप तक वो लगातार टीम का हिस्सा रहे थे। ईशांत शर्मा का भी जो करियर है मुझे लगता है कि अब खत्म हो गया है। इसके अलावा कुछ और नाम है जिन्हें वापसी के लिए पूरा जोर लगाना होगा, उसमें मैं हनुमा बिहारी का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि उन्हें उतने मौके भी नहीं मिले हैं और उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनमें वो पोटेंशियल है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए वापस टीम में आ सकते हैं और वो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत तवज्जो भी देते हैं हनुमा बिहारी, तो इसलिए मुझे जो है लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन रिद्धिमान साहा जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किए गए हैं उनकी भी वापसी की संभावना मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि बीसीसीआई उनसे आगे निकल चुका और हमने देखा कि ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद भी रिद्धिमान साहा की जब वापसी नहीं हुई और के एस भरत और ईशान किशन की तरफ जो है बीसीसीआई देख रहा है और उसका जो चयन समिति है वो उसे देख रही है, संजू सैमसन इसके अलावा है, तो साहा की जो का भी आप मान सकते हैं कि इंटरनेशनल करियर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। मयंक अग्रवाल और दीपक चाहर जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किए गए हैं। तो हाँ, लेकिन ये है कि ये खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं, दीपक चाहर की उम्र तो अभी बहुत कम है, लेकिन ये है कि वो चोटिल जिस तरह से हो रहे हैं इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है और वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इसके अलावा मयंक अग्रवाल भी बाहर हुए हैं। तो ये है बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। आपको ये भी बता दूं कि A+ ग्रेड जो है उसमें 7 करोड़ रुपया खिलाड़ियों को दिया जाता है वार्षिक, जो ए ग्रेड है उसके लिए 5 करोड़, बी के लिए 3 करोड़ और सी के लिए 1 करोड़ रुपए वार्षिक जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो जो ये बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो बहुत चीजें बता रहा है, कुछ इशारा कर रहा है, उसे समझने और समझाने की कोशिश मैंने आपसे की। अभी इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।